हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वीवो Y11 2019, दूसरा फोन है इन्फिनिक्स S4। तो दोनों फोन्स का हम कंपैरिजन करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा टेस्ट भी करेंगे और बताएंगे आपको कि दोनों फोन्स में से परफेक्ट आपके लिए कौन सा फोन रहेगा। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फोन्स के लुक एंड डिजाइन की बात करें, डिजाइन के मामले में अलग अलग दिए गए दोनों फोन्स। यहां पर आपको दोनों फोन्स ही अच्छे मिल जाते हैं। Vivo Y11 में थोड़ा सा आपको ग्लास फील मिलेगी बैक साइड पर, लेकिन दोनों ही फोन्स में प्लास्टिक यूज किया गया है, पॉलीकार्बोनेट शाइन दोनों फोन्स में मिल जाएगी। तो स्क्रैच का खतरा ज्यादा इन्फिनिक्स S4 में आपको मिलेगा और Y11 में स्क्रैचेस इतने ज्यादा महसूस नहीं होने वाले आपको। इन्फिनिक्स S4 की पाकिस्तान में प्राइस 4GB रैम एंड 64GB वाले वेरिएंट की 23,500 रुपीज है। तो यहां पर आपको डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। Vivo Y11 की प्राइस 24,000 रुपीज है, 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलेगा। तो ये भी डिस्काउंट करके आपको कम मिल जाएगा। तो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। कैमराज यहां पर इन्फिनिक्स S4 में ट्रिपल कैमरा मिलता है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर मिल जाता है। तो अपर्चर जितना कम होगा रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। यहां पर सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ऑप्शन दिया गया है और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। डेप्थ सेंसर के लिए क्वाड LED फ्लैश मिलता है बैक साइड पर और फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहां पर माउंट किया गया है। Vivo Y11 में ड्यूअल कैमरा मिलता है, मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर मिल जाता है। तो अपर्चर Vivo ज्यादा ही रखता है, हमेशा से Vivo में ये मसला रहा है। तो यहां पर सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर के लिए और यहां पर LED फ्लैश मिल जाता है और बैक साइड पर यहां पर भी फिंगरप्रिंट मिल जाता है। फ्रंट साइड डिस्प्ले की बात करें तो डिजाइन दोनों फोन्स के डिस्प्ले में सेम ही मिलता है आपको। तो डिस्प्ले में आप कैमरा देख सकते हैं, तो Vivo Y11 में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 1.8 अपर्चर मिलता है। इन्फिनिक्स S4 में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो सेल्फी के मामले में भी यहां पर S4 आपको अच्छा मिल जाएगा। देखेंगे वो कैमरा टेस्ट में कितना ज्यादा रिजल्ट में डिफरेंस है। तो फोन्स में IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन यहां पर Vivo Y11 ने 6.35 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, 81.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलेगा, HD+ डिस्प्ले मिलेगा एंड 268 PPI डेंसिटी के साथ। इन्फिनिक्स S4 में 6.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, 82.0 स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है, HD+ डिस्प्ले मिलेगा एंड 271 PPI डेंसिटी मिल जाती है। यहां पर दोनों फोन्स में आपको गोरिल्ला ग्लास की तो प्रोटेक्शन नहीं मिलती, लेकिन 2.5D कर्व्ड ग्लास मिलता है इन्फिनिक्स S4 में। तो ये गोरिल्ला ग्लास से ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होता। दोनों फोन्स में सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम Vivo Y11 में फन टच वर्जन 9.1 मिलता है, जो कि Vivo का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहां पर इन्फिनिक्स S4 में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम XOX 5.2 वर्जन मिलता है। प्रोसेसर की बात कर लें, MediaTek का Helio P22 मिलता है। इन्फिनिक्स S4 में 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है और ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो यहां पर Vivo Y11 में Qualcomm Snapdragon 439 मिलता है, 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ये भी ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। तो दोनों फोन्स का अगर मुकाबला करेंगे स्पीड टेस्ट में तो पता चल जाएगा कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। बैटरीज का अगर कंपैरिजन करें तो Vivo Y11 में बैटरी आपको मिलती है 5000 mAh की, इन्फिनिक्स S4 में 4000 mAh की बैटरी मिलती है। स्मार्टनेस की बात करें, मतलब के थिकनेस की, तो Vivo Y11 में 8.9 mm मिलती है, जबकि इन्फिनिक्स S4 में 7.9 mm की थिकनेस मिलेगी और आपको काफी स्मार्ट मिल जाएगा इन्फिनिक्स S4। चार्जिंग पोर्ट दोनों फोन्स में माइक्रो USB मिलती है दोनों फोन्स में, लेकिन फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो यहां पर इधर उधर की बातें खत्म करके यहां पर दोनों फोन्स को करते हैं मौन। देखेंगे दोनों फोन्स में से कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और भागता है फास्ट। तो दोनों फोन्स में रेस लगी हुई है, देखते हैं यहां पर इन्फिनिक्स S4 पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है Vivo से। डायलर पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के, S4 आगे है। कैमरा पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के, तो Vivo Y11 थोड़ा सा फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया तो S4 आगे है। प्ले स्टोर ऑप्शन पर क्लिक किया
तो यहां पर दोनों फोन्स की प्रोसेसिंग सेम ही रही दोस्तों। यूट्यूब पर क्लिक किया दोनों फोन्स के, तो यहां पर एस फोर आ गए दोस्तों। गूगल ऑप्शन पर क्लिक किया दोनों फोन्स के, तो गूगल ऑप्शन में भी यहां पर इन्फिनिक्स एस फोर काफी फास्ट है दोस्तों। गेम्स की तरफ आया था, यहां पर देखेंगे किस फोन में कितना दम है। एट बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है, तो यहां पर देखेंगे जी, यहां पर भी इन्फिनिक्स एस फोर फास्ट है काफी ज्यादा। सर्फस पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, यहां पर देखेंगे तो यहां पर, तो दोस्तों यहां पर भी इन्फिनिक्स एस फोर काफी ज्यादा फास्ट है, बहुत ही ज्यादा फास्ट दिया गया दोस्तों। टेम्पल रन टू पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, यहां पर देखेंगे कौन सा फोन फास्ट है। तो टेम्पल रन 2 के मामले में वीवो Y11 2019 काफी फास्ट है। कैंडी क्रश पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो यहां पर देखेंगे यहां पर दोनों फोन सेम टाइम पर ओपन हुए। तो पबजी पर क्लिक कर दिया है, बड़ी गेम बड़ा मुकाबला, यहां पर पता चल जाएगा किस फोन में ये बड़ी गेम ओपन हो जाती है। तो प्रोसेसिंग काफी बड़ी होने वाली है, तो दोस्तों ये पबजी वाली गेम वीवो Y11 2019 में पहले ओपन हो चुकी है, S4 ने भी ओपन की लेकिन वीवो Y11 फास्ट रहा। तो फिंगरप्रिंट के मामले में दोनों फोन्स यहां पर सेम है दोस्तों, प्रोसेसिंग देख सकते हैं सेम टाइम पर दोनों फोन्स ओपन कर रहे हैं फिंगरप्रिंट। फेस आईडी के मामले में वीवो Y11 थोड़ा सा फास्ट दिया गया है, इन्फिनिक्स S4 की फेस आईडी थोड़ी सी स्लो दी गई है। कैमरा का मुकाबला यहां पर आया था, तो कैमरा के मुकाबले में आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा सैंपल्स लिए और अच्छे से सैंपल्स लिए, बिल्कुल ही ऑनेस्टली सैंपल्स लिए, दोनों फोन्स खुद के खरीदे हुए हैं, कोई भी फोन कंपनी ने नहीं दिया दोस्तों। तो यहां पर ऑनेस्टली बता रहा हूं, बैक कैमरा इन्फिनिक्स S4 का बहुत अच्छा दिया गया है, क्योंकि वीवो Y11 का बैक कैमरा में 2.2 अपर्चर होता है, तो अपर्चर जितना ज्यादा होगा मतलब कि 2.4 होगा तो और ज्यादा खराब रिजल्ट आता है। तो वीवो को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपर्चर को कम करना चाहिए, सेंसर अच्छा डालना चाहिए कैमरा में। बैक कैमरा के मामले में क्लियर कट विन करता है इन्फिनिक्स S4। फ्रंट कैमरा का मामला देख सकते हैं, तो फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, लेकिन यहां पर इन्फिनिक्स S4 का कैमरा बहुत अच्छा दिया गया है। वीवो Y11 का 8 मेगापिक्सल है, 1.8 अपर्चर है, लेकिन लो लाइट में इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है, और डे लाइट के मामले में भी इन्फिनिक्स S4 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया गया है। फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा में इन्फिनिक्स S4 क्लियरली विन करता है दोस्तों। फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा, यहां वहां की बातें हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट की बात करेंगे। इन्फिनिक्स S4 100% ज्यादा अच्छा दिया गया है वीवो Y11 से। प्रोसेसिंग में इन्फिनिक्स S4 काफी ज्यादा आगे रहा, सिर्फ पबजी में पहले ओपन हुआ वीवो Y11, बाकी कैमरा के मामले में और दूसरी क्वालिटी के मामले में 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई इन्फिनिक्स S4 में। लुक एंड डिजाइन में तो दोनों फोन ही अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ हमें लुक एंड डिजाइन नहीं चाहिए, दूसरे मामला भी चाहिए। तो यहां पर क्लियर कट इन्फिनिक्स S4 विन करता है। इन्फिनिक्स S4 ही आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दोस्तों, वीवो Y11 पैसे जाया करने हो जाएंगे इस मामले में। तो आपकी क्या राय है दोनों फोन्स के बारे में, आपको कौन सा फोन अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत, ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए कनेक्ट रहेगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।